तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ एक मॉडिफाइड बजाज एवेंजर 220 जिसको कस्टमाइज किया है एक क्रूजर स्टाइल में और इस बाइक को कस्टमाइज किया मराठा मोटरसाइकिल ने। आप लोग देखिएगा इस बाइक की वीडियो सच में बहुत ज़्यादा मस्त है, काफ़ी बेहतरीन इसको कस्टमाइज किया गया है। और अगर आप सभी लोग इंटरेस्टेड होंगे सेम टू सेम बाइक को अपने तरह से बनवाने के लिए तो डेफिनेटली मैंने मराठा मोटरसाइकिल का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ अपने डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप लोग डायरेक्टली उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और इस बाइक के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है वो आप लोग डेफिनेटली उसे पूछ सकते हैं। बस आप सभी से छोटा सा एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप सभी को ये बाइक पसंद आएगी तो प्लीज़ अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आप को ये बाइक कैसे लगी। अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, पसंद नहीं है तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन द वीडियो। मॉडिफाइड बजाज एवेंजर 220 जिसको मॉडिफाई किया है मराठा मोटरसाइकिल ने और ये जो बाइक का कॉन्सेप्ट है ना ये एक रेट्रो क्रूजर के स्टाइल में इस बाइक को कस्टमाइज किया गया है और मतलब आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा ना इस बाइक को एक रेट्रो टच यहाँ पे डेफिनेटली दिया गया है। अगर मैं बात करूँ इस बाइक के ओवरऑल चेंजेस के बारे में तो आप लोग जो इसके फेंडर्स देख रहे हैं यहाँ पे आपको ओल्ड स्कूल स्टाइल के फेंडर्स मिलेंगे और जो फोर्क शील्ड्स है वो भी आपको ओल्ड स्कूल स्टाइल का मिलेगा। यहाँ पे जो उसका फ्यूल टैंक है वो काफी थोड़ा ब्रॉड किया गया है, जैसे कि देख सकते हैं मतलब एक नॉर्मल एवेंजर का फ्यूल टैंक थोड़ा छोटा लगता है देखने में, पर इस बाइक का फ्यूल टैंक थोड़ा सा यहाँ पे ब्रॉड जरूर किया गया है। और यहीं पे बात करूँ इसके सीट्स के बारे में तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट देखने मिलता है। फ्रंट का भी लुक देखिए, फ्रंट में आपको एक बड़ा सा वाइजर देने मिलेगा जो कि एक रेट्रो लुक यहाँ पे डेफिनेट दे रहा है। आप लोग यहाँ पे सीट का डिजाइन देख सकते हैं किस तरह से स्प्लिट सीट लगाया गया और उसमें जो स्टिचिंग की गई है वो काफी ज्यादा एक रेट्रो फिनिश यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अगर मैं बात करूँ इस बाइक के कलर कॉम्बिनेशन के बारे में तो ये बाइक का कलर आपको कैंडी रेड का पूरा ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन, बीच में आपको रेड कलर का स्ट्राइप्स भी देखने मिलता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब ब्लैक एंड गोल्डन आउटलाइन भी आपको इसमें मिल जाएगा। फ्रंट का लुक सीरियसली बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, ये जो बड़ा सा वाइजर लुक दे रहा है ना बजाज एवेंजर को, मज़ा ही आ जा रहा है इस बाइक को देखने में। इस बाइक में आपको सैडल बैग्स भी देखने मिलते हैं, जैसे देख सकते हैं दोनों ही तरफ में आपको सैडल बैग्स हैं, पीछे का आपको एक पूरा बैक रेस्ट भी दिया गया है और पूरा क्रूजर स्टाइल के यहाँ पे आपको साइड मिरर्स वगैरह भी देखने मिल जाएगा। इस बाइक का जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उसको भी यहाँ पे अपग्रेड किया गया है, इसके विंडशील्ड अपग्रेड किए गए, इंडिकेटर्स हो गया, नंबर प्लेट, मतलब बहुत सारी चीज़ें इस बाइक में चेंज करी गई हैं। आप लोग देखिए इसका जो बाइक का इंडिकेटर्स को ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको न्यू स्टाइल का लगेगा। और जो फ्रंट सस्पेंशन है उसमें आप लोग शील्ड्स को देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा, मतलब फ्रंट का लुक अब ना थोड़ा सा थिक हो गया देखने में। और जो इसका फेंडर का डिज़ाइन देखिए, जैसे एक लास्ट में थोड़ा सा आपको बैंड देखेगा, ये जो मतलब ओल्ड स्टाइल की अगर आपने बाइक देखी होगी क्रूजर सेगमेंट की बाइक उसमें वो कुछ इसी तरह के फेंडर्स यहाँ पर डिज़ाइन देखने मिलता है। हालांकि इसका जो आप लोग रिम्स वगैरह देख रहे हैं, रिम्स वगैरह कंप्लीटली यहाँ पे ब्लैक कलर से कंप्लीट पूरा पेंट है। इसका पेंट की क्वालिटी भी देखिए, पेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब इस क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा सही लग रही है। अगर दोस्तों आप सभी लोग इंटरेस्टेड होंगे ना सेम टू सेम बाइक कस्टमाइज कराने में तो डेफिनेटली आप लोग मराठा मोटरसाइकिल से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, आपको एक बहुत अच्छी बाइक वो कस्टमाइज करके वो दे सकते हैं। लेकिन आप सभी लोग प्लीज़ इस बाइक का लुक देखिए अच्छे से किस तरह से एक रेट्रो क्रूजर बाइक में इसको कस्टमाइज किया गया। हालांकि बजाज एवेंजर में इस तरह का वर्क थोड़ा कम देखने मिलता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस बाइक में कितने अच्छे तरीके से इन्होंने वर्क किया है, बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है इनका ओवरऑल वर्क। आप सभी लोग को कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। स्पेशली ये जो इन्होंने साइड बैग्स लगाए हैं ये बाइक को काफ़ी अच्छा मतलब कम्प्लीट दे रहा है और ये पेंट का जॉब भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका जो हैंडल बैग का जो स्टाइल है, साइड मिरर्स, मतलब ओवरऑल बाइक का लुक काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों अभी आप सब लोगों ने ये देखा बेस्ट मॉडिफाइड बजाज एवेंजर, आप सभी को ये बाइक कैसे लगी, क्योंकि इस बाइक का जो लुक है कम्प्लीटली चेंज हो गया, इसका फेंडर टायर कलर वगैरह कम्प्लीटली चेंज है। आप लोग प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिएगा और ये बाइक आपको पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप सभी को इस तरह के और भी कंटेंट देखें तो डेफिनेटली आप लोग मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि www.motomahal.in, वहाँ पे मैंने सारे के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ देकर रखा है, तो डेफिनेटली विजिट करो। प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेके, क्योंकि आपको इस चैनल में मॉडिफिकेशन रिलेटेड काफ़ी सारे कंटेंट मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।